एक्सप्रेस प्रस्तुत है आज की खास खबरें। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह वाक्य बिल्कुल फिट बैठता है बिजली विभाग पर। आए दिन बिजली विभाग की शिकायतें सुनने को मिलती रहती हैं, किंतु आज का जो मामला है बिल्कुल ही अलग है। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के विद्युत उपखंड, जहाँ पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस उपखंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम है गारापुर, जिसमें आज भी बिजली नहीं, लोग मिट्टी का तेल जलाकर रोशनी का इंतजाम करते हैं। सबसे विकसित तहसील है यह और नगर पंचायत भी उसके नजदीक का यह हाल है। किंतु मामला यहीं तक सीमित नहीं है। असल बात तो यह है कि इस ग्राम में बिजली तो नहीं है, किंतु मीटर हर घर में लगा है और बकायदा बिजली का बिल भी आता है। 5 साल पहले लगाया गया मीटर आज तक चालू नहीं हो पाया, लेकिन बिल बराबर आता है और इन ग्राम सभा के लोगों को बकायेदारों की लिस्ट में डाल दिया गया है। ग्राम वासियों के प्रयास से विद्युत विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व ट्रांसफार्मर लगाया जा सका, परंतु उपखंड के जेई का कहना है कि ट्रांसफार्मर फर्जी है और इन लोगों को बिजली नहीं दी जाएगी और बिजली की लाइन काट दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि यह लोगों के ऊपर FIR किया जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस। अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन देना आजकल ट्रेंड होता जा रहा है या मजबूरी, ये चीज जानते हैं। आज यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है ग्राम सभा तारापुर का, गारापुर का, और ये मेन रोड है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन से दिखाएंगे कि रोड इस समय जाम है। क्या मांगे हैं, किस लिए रोड बंद कर दिया गया है, अभी तक यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी मुझे नजर नहीं आ रहा है। कब से ये बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि धरने दिए क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से धरने दिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, यहाँ पर जो ग्रामीण बैठे हैं उन लोगों से पूछूंगा कि क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, पूरी करो। इस वजह से आप लोग हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली विभाग, बिजली विभाग। चाचा, किस लिए यहाँ पर आप रोड बंद कर दिए हैं पूरी तरीके से? ये सर, हमारे यहाँ 5 साल से जो है कनेक्शन हुआ है और अभी तक हमको लाइट नहीं मिली। आज एक हफ्ता जो है बिजली विभाग वाले ने जो है ट्रांसफार्मर टांगे और एक हफ्ता के अंदर ही जो है कल हमारा कनेक्शन काट दिए। बोले कनेक्शन कितना पुराना है आप लोगों का? हमारा 5 साल का है। कौन से ग्राम सभा है? ये गारापुर आजाद नगर, गारापुर। तो पूरे ग्राम में बिजली नहीं है अभी तक? पूरे ग्राम बिजली नहीं है? पूरे ग्राम में है, लेकिन हमारे यहाँ कस्बे में नहीं है जी। आपका कस्बा अलग है? जी हाँ। कितने परिवार होंगे आपके कस्बे? कम से कम जो है 15 लोग का घर है, 15-20 का परिवार। तो कनेक्शन कैसे आपका मिल गया था? कनेक्शन जो है अधिकारी लोग आके घर पर दिए हैं। अच्छा, ये क्या आप दिखा रहे हैं? मीटर लगाए लेकिन बिल आ रहा है और कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ये मीटर का बिल भी आया है, 11,742 रुपए का बिल है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और ये 30/11/2021 के पहले का है, और जैसा इन्होंने बताया कि 5 साल पहले इनके यहाँ कनेक्शन लगाया गया था, बिजली एक दिन भी नहीं आई, लेकिन बिल लगातार आ रहा है और बिल भी छोटा मोटा ही, लगभग 11,742 रुपये का आप बिल देख रहे हैं, लेकिन एक दिन भी बिजली नहीं आई है। तो बिजली अभी किस दिन पहले लगा दी गई थी? अभी एक हफ्ता लगी थी, एक हफ्ते के अंदर वो काट दिए। जेल बोले कि अगर तुम नहीं काटोगे तो मैं जो है तुमको जेल भेज दूंगा। तो हम कहे हम इसलिए जेल भेज देंगे, बोले कि तुम जो है ट्रांसफार्म जो है लगाए हो तो ये बिजली विभाग वाले ट्रांसफार्म लगाए हैं, हमसे पैसा लिए हैं, मैं पैसा दिया हूँ, हम इनको, हम ये नहीं जानते क्या क्या बातें निकल के आ रहे हैं। आप इसी ग्राम सभा से? आप आपको क्या बोला गया, बिजली विभाग वाले क्या बोले? बताओ बताओ, बात रखो, इधर आइए, कनेक्शन दाना जो है आइए, चलिए आगे आइए। बिजली नहीं देंगे, जैसा कि अभी मेरे हाथ में कई सारे एप्लीकेशन, कई विभाग की से बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण है, जो सीधे साधे हैं, अपने कामों से, अपने रोजी रोटी से मतलब रखते हैं, और आज गवर्नमेंट जब बिजली विभाग को इतना बढ़ावा दे रही है, हर घर बिजली पहुँचाने का कार्य कर रही है, उस कार्य को भी नजरअंदाज करके यहाँ के जेई, यहाँ के जो है वो यहाँ के लापरवाही दिखाई जा रही है कि लमसम 15-20 परिवार का ये नाम सभा हुआ, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, विभाग को वाला कोई नहीं आया। आज के बिजली न होने की उनकी वाही तक की धमकी दी जा रही है, इसकी वजह से किसान होकर बैठे। तो ज्यादा करेंगे आपकी मांगे तो मिल नहीं रही है, विभाग वालों तक ये
वहाँ कनेक्शन कटाइए, मैंने 5 साल से परेशान हूँ। अच्छा, बिल भी नहीं आ रहा कनेक्शन कटवाना, लेकिन कनेक्शन नहीं कटाइए आपके पास। ताला ला के टांग दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि तुमको जेल ले जाएंगे। एक हफ्ते बाद आके लाट दिए, लाइन काट दी। यही बात बोल रहे हैं, तुम लोग गोली का ट्रांसफार्मर लेके आए हो, देखिए क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है, क्या क्या चीजें बोली जा रही है कि ट्रांसफार्मर जो है वो चोरी का है, ट्रांसफार्मर जो है वो गलत तरीके से लगाया गया है। आखिर उस ट्रांसफार्मर लगाने वाले कौन है, क्या ये ग्रामीण है, क्या आप लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाया? नहीं जी, ये बिजली विभाग के जो है अफसर ने जो है पैसा लिया मुझसे, कुछ बोले की जो है 35-40 हजार रुपया लगेगा, आपका जो है हो जाएगा। मैंने दिया हूँ पैसा, अब ट्रांसफार्मर विभाग का ला के लगाया है। ये मैंने आप पूरे ग्रामीण लोगों ने मिलकर दिया था आपके लिए? नहीं, सब मिलकर दिया, सबके मिलकर दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खर्चे भी लिए जाते हैं, प्रतापगढ़ जनपद में खर्चे भी लिए जाते हैं लगाने के लिए। ठीक है, बाल बिजली लगती भी है और 10 दिन जलने के बाद उसे दिया जाता है, और बाद में दबाव बना है कि आप पुराने बिलों को जमा और नए कनेक्शन जो ले रहे हैं ये क्या? हाँ, बहुत सारे हमारे पास ये बिजली है, हमारे पास बहुत सारे बिल है। ये लाल कार्ड है जो शायद गरीबी रेखा का कार्ड है, गरीबी रेखा कार्ड का भी 1240 आया है। बहुत सारे चीजें हैं, सारे ऐसे दिक्कत यहाँ पर ग्रामीण जिस दूरी में यहाँ पर खड़े हैं। कभी बिजली विभाग नहीं गए, उनको समस्या नहीं? हम नहीं गए। आप नहीं वहाँ पर रहते? अकीता जी गए, आप यहाँ नहीं रहते? आप लोग कभी जाकर वहाँ पर शिकायत नहीं? मैं बहुत बार जाकर गया, 5 साल से परेशानी झेल रहा हूँ, लेकिन अब में जो है यही हमको करना जो है। धीरे साहब लोग कह रहे हैं तो हम गर्मी में चंदा लगा कर उस पर आप लोग को दे रहे हैं, तो आप हमारा व्यवस्था कर दीजिए। एक बड़ी दुखद बात, तो आजादी के 75वां मौजूद हुए समय में बिजली विभाग लालगंज में, और जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या थी ग्रामीणों की जिसकी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। उपखंड अधिकारी हमारे साथ हैं अतुल जी। अतुल जी, आज ग्रामीणों ने कुछ रोड जाम करके अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्या था, क्या समस्या थी? बिजली को लेकर लोग थोड़ा परेशान हैं। वहाँ सौभाग्य योजना के अंतर्गत आपसे 4-5 साल पहले विद्युतीकरण का कार्य होना था, परंतु किसी कारण नहीं हो पाया, और उनके परिसर पे मीटर लगा करके बिल चालू कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा वर्तमान में भी बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो उनके द्वारा कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले पता नहीं कहाँ से अवैध रूप से ट्रांसफार्मर कहीं से लाया गया और उसको वहाँ स्थापित कर दिया गया। जो ट्रांसफर लगाया गया, कहीं ना कहीं उपकरण अधिकारी कोई ना कोई गया होगा, या कनेक्शन ज्वाइन किया होगा ये, या किसी मार्ग से हुआ होगा, या अपने मन से उन लोगों ने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा, और नहीं उनके द्वारा कोई बिजली का उपयोग किया गया, और जो अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगा है उसके खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन थाने में दे दी गई है। जाँच की जा रही है कहाँ से लगा, जाँच की जा रही है कि कहाँ से ट्रांसफार्मर। एक बात आती है सर कि बिजली जैसी चीज है और बिजली लाइन जोड़ना आसान नहीं है, यहाँ तो घर में छोटा सा भी कनेक्ट अगर कट जाता है वहाँ भी जोड़ने में डर लगता है, तो ये पूरे के पूरा तार ज्वाइन करना, ट्रांसफार्मर लगाना, कहीं ना बिना जानकारी कैसे हो जाता है? अभी जुड़ी हुई है बिजली, और ये बता रहे हैं कि जो विद्युतीकरण नहीं हुई है अभी वहाँ, अभी एक योजना फिर से सौभाग्य फेज 3 और गारापुर का नाम उसमें दे दिया गया है, जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है, 1-2 महीने में स्कीम आने वाली है, वहाँ विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा, और जो बिना विद्युत का उपयोग किए जो कंज्यूमर के बिल आ रहे हैं, अगर ऑफिस में बिजली ऑफिस में संपर्क किए रहते हैं तो उनका बिल भी सही कर दिया जाता है, उसका बिल नील कर दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कोई विद्युत का उपयोग किया नहीं गया है। अब जो अभी की जो समस्या है, जैसे ग्रामीण परेशान है, उनके यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा है, वो अवैध है या सही है, इसकी जानकारी आप तक करेंगे, उसके अलावा अभी उन लोगों को क्या राहत मिलने वाली है? आपकी तरफ से कोई ऐसा समय है, दिशा निर्देश है कि इतने समय उनको राहत मिल जाए, बिजली कनेक्शन धारक है वो, तो उनका बिल भी माफ कर दिया जाए जो पुराना जो उपयोग नहीं किए हैं, या नए तरीके से उनको कैसे बिजली मिल जाए, क्योंकि इतने सालों बाद भी बिजली उनके दर्शक नहीं पहुँची? अभी तो मौके का निरीक्षण जेई महोदय द्वारा किया गया है, अभी कल खुद हम निरीक्षण करने जाएंगे मौके का, और मौके का जांच करके जो भी बिजली को लेकर समस्या है उस पर हम निस्तारण किया जाएगा। एक परिजन वहाँ के परेशान थे ग्रामीण लोग, उनको बताया गया कि जी साहब की तरफ से मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इतने दिनों से बिजली लेने जमा किया है, मैं आपके खिलाफ वारंट जारी करूँगा, FIR करूँगा, क्या ऐसा भी ग्रामीणों को डराना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।